और मैं चाहता हूँ कि गंभीर की टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे रहे। देखो मेरा मानना यह है कि अभी हमारे पास 11 पॉइंट्स हैं। हमारा पॉइंट्स टेबल में नीचे जाना प्रैक्टिकली तो पॉसिबल ही नहीं है। अरे तेरे प्रैक्टिकल की ऐसी की तैसी, मैं नहीं मानता तेरी बकवास बातों को। देखो मेरा मानना यह है कि तू मान या ना मान, हम बनेंगे तेरे मेहमान। हाँ ठीक है, बन जाओ। मुझे भी बहुत अच्छे से आता है मेहमान नवाजी करना। अरे भिड़ू काय को झगड़ रहे ले तुम लोग, तुम्हारे झगड़े के चक्कर में इधर मेरा जीना मुश्किल हो गया रे भिड़ू। देखो मेरा मानना यह है, अगर तुम लखनऊ में रहना चाहते हो तो मेरी तरफदारी करना पड़ेगा। नहीं रहने का है रे मुझे भिड़ू, अगर मैंने विराट भाई से पंगा लिया तो लखनऊ में क्या दुनिया में ही रहने को नहीं देंगे रे भिड़ू। जिंदगी में पहली बार सही बात बोला है तूने। चल इसी बात पे CSK और RCB का फाइनल हो जाए क्या? सरकार लेकिन सारी दुनिया तो RCB और लखनऊ का फाइनल देखना चाहती है सरकार। हाँ और हम लोग तो यहाँ सिर्फ तालियां बजाने के लिए है ना। अरे मैं रुका, तुम्हें को पॉपकॉर्न भी लाके देता है, क्योंकि कोलकाता को फाइनल में जाने से रोकना इम्पॉसिबल है। ज्यादा होशियार मत बन, ऐसे मारूंगा कि उसी पॉपकॉर्न की तरह उछलने लगेगा तू। अरे मैं डाटा, हमको रोहित भाई ने डाटा। अरे छोड़ जाने दे, साला जलता है मजनू हमसे। वाह हैदराबाद को क्या हरा दिया, तुम लोगों के तो पर ही निकल आए हैं। सरकार उड़ने के लिए पर नहीं, मेरे जितना हल्का होना पड़ता है सरकार। अरे सैम्बा, सुना है मोहल्ले में कोई हमसे बड़ा गुंडा आया है रे। अंजलि कहिए मेरे बारे में तो बात नहीं कर रहा ना अंजलि। हैला तुम तो चुप ही रहो, तुम गुंडे कम और कॉमेडी पीस ज्यादा लगते हो। अंजलि लगता है तुमने मेरे बारे में किसी को बताया नहीं अंजलि। अरे सैम्बा बता आखिर कौन है तू, जरा हम भी तो जाने। अंजलि मैं तो अपना नाम पता सब भूल गया अंजलि। अरे मोटा भी लगता है बेचारा मुझसे डर गया होगा, मैं इसीलिए किसी के भी सामने नहीं आता, लोग मुझसे डरने लगते हैं मोटा भी। भैंस का अंडा, जब से बॉलिंग की स्पीड बढ़ी है तेरी तब से लंबी लंबी फेंकने लगा है तू। हाँ मोटे भाई देखना, एक दिन मैं उमरान मलिक को भी पीछे छोड़ दूंगा मोटे भाई। भैंस का अंडा मैं बॉलिंग की नहीं, ये जो तू लंबी लंबी फेंक रहा था ना उसकी बात कर रहा था मैं।